नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। हम इस चैनल में ट्रैवल वीडियोस, न्यूज और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोज की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सर्विस के बारे में कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विस के थ्रू। तो उससे पहले जो चीज़ें हमारे माइंड में आ सकती है वो है कि ये ऑनलाइन सर्वे कंपनीज जो है वो हमें पे क्यों करेंगी और ऑनलाइन सर्विस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक चीज़ रहेगा कि ये ऑनलाइन सर्विस जो क्वेश्चंस करेंगी उसका क्राइटेरिया किस तरीके का होगा और वो हमें ही सूट क्यों करेंगी या हमें ही क्यों चूज़ करेंगी कि हम वो सर्विस अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊँगा सबसे पहले, जिसके जहाँ हमें सर्वेस मिलेंगी। तो ये जो वेबसाइट है इसमें हमें क्या है कि यहाँ हमें हमारा प्रोफाइल बिल्ड होता है सबसे पहले। तो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए हमें कुछ कैटेगरीज दिए जाएंगे, जैसे कि अगर आपका क्या हॉबी है या इंटरेस्ट है, पकड़ लीजिए आपको कैसे कार्स पसंद है, आपके पास जो स्मार्टफोन है वो किस मॉडल का है या फिर किस कंपनी का है, पकड़ लीजिए आप एडवर्टाइजर्स टीवी में जो एडवर्टाइज देखते हो वो किस तरीके के एडवर्टाइजर्स आपको पसंद है। तो इस तरीके के बहुत सारे कैटेगरीज है जो मैं आपको जब लैपटॉप में मेरे लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा उस वेबसाइट के पैनल में डैशबोर्ड में कि वो इंटरेस्ट्स आपको पहले फुलफिल करने पड़ते हैं वो क्वेश्चंस। तो उसके बाद उस बेसिस पे आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होता है और उसी बेसिस पे वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा था उस वेबसाइट का नाम है ट्राया बाय इंडिया, और आगे हम जाएंगे और आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको साइन अप करना है और सारा प्रोसीड्यूर। तो ये जो पहले मैं थोड़ा वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ कैसे आप अर्न कर सकते हो और कितना अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जेन्युइन बात जो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आप सबको कि यहाँ सबसे पहले जब आप एंट्री लेवल पे आप यहाँ काम करना चालू करोगे, इस वेबसाइट में आप सर्वेज अटेम्प्ट करोगे, तो ये आपको पॉकेट मनी अमाउंट ही देगा महीने में। नियर अबाउट पकड़ लीजिए, मैं अप्रॉक्स में बताता हूँ कि 1000 रुपये से 1500 रुपये जैसा ही आएगा, और लेवल्स है, आप धीरे धीरे काम करते रहोगे तो बिग अमाउंट के सर्वेज ही आपके पास आएंगी। तो मोस्टली आपका पॉकेट मनी मिले उस तरीके का ही ये पोर्टल है और उस तरीके के सर्वेज ही आएंगे और उस तरीके का इनकम होगा, सबसे पहले बताने वाला हूँ ये। नेक्स्ट बात कि यहाँ 30 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक का मार्जिन का सर्वेज रहता है। अब 30 से 250 क्यों, 30 रुपीज़ का जो सर्वे रहेगा वहाँ कम क्वेश्चंस रहेंगे और वो 2 मिनट से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 50 रुपये का पकड़िए, अगर सर्वे रहा 50 रुपये मिलने वाला है आपको, तो वो सर्वे 5 मिनट का रहेगा पकड़ लीजिए उस तरीके का, और जैसे बढ़ते जाएंगे 100 रुपये का होगा तो 15 मिनट जैसा का होगा, 250 रुपये का होगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, 30 मिनट जैसे का होगा, तो इस तरीके का चीज़ है। तो इस तरीके के सर्वेज आएंगे आपको रेगुलरली। तो पहला बात है कि एंट्री लेवल पे आपको पॉकेट मनी जैसा ही अमाउंट मिलने वाला है, और जीबीपी में कैलकुलेट होता है तो आपको जो दिखाई देगा, मैंने बोला 30 रुपीज़ से 250 रुपीज़, वो आपको जब अर्निंग आपको दिखाई देगा वो जीबीपी में दिखाई देगा। जीबीपी का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और नियर अबाउट 95 रुपीज़ अप्रॉक्स है इंडियन रुपीज़, उसमें काउंट होगा। तो ऐसा ही होता है कि 0.30, 0.25, कभी 1 GBP का भी सर्वे आ जाता है, तो इस तरीके का होता है। अब कुछ रूल्स मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आपके लिए कोई सर्वे है, आपके लिए कोई सर्वे आया है, आपको वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला चीज़ है, आप मेल के थ्रू ही अपने जीमेल आईडी के थ्रू जब वहाँ साइन अप करोगे तो जीमेल आईडी के थ्रू ही वो आपको नोटिफिकेशन देंगे कि हे यू हैव गॉट अ सर्वे, तो या यू हैव अ सर्वे वेटिंग फॉर यू, इस तरीके का मेल आएगा। और इस मेल को आपको इंस्टेंटली आपको मेल चेक करते रहना है, एक जो चैलेंज है आपके लिए वो आपको करते रहना है, उसका कारण मैं बताता हूँ। आप इंस्टेंटली करोगे तो इंस्टेंटली आप वो सर्वे अटेम्प्ट करने के बाद आप अर्न कर पाओगे। अब क्या होता है, मैक्स अमाउंट आपको 30 मिनट्स जैसा ही रहेगा। आप पकड़ लीजिए एक उनके तरफ से कोई सर्वे का मेल आया है और आपने पकड़ लीजिए 1 घंटे से 2 घंटा लगा दिया, तो वो सर्वे क्लोज हो जा सकता है, और क्लोज हो जाना मतलब वो सर्वे नहीं होगा और आपको वो पेमेंट नहीं मिलेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट सर्विस नहीं आएंगे, वो सर्विस ऑब्वियसली आएंगे। तो और एंट्री लेवल पे जैसे कि होता है कि एक दिन में एक सर्वे ही आ सकता है, या फिर
दो दिनों में एक सर्वे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मगर धीरे धीरे जब आप करते रहोगे और आपका प्रोफाइल और बड़ा होते रहेगा तो उस तरीके से आपको आपके पास सर्वेस आते रहेंगी। तो पहले एंट्री लेवल पे मैं अगर देखूं कि आपको 50 रुपये का ही मिलता है और 5 मिनट आपका खर्च होता है, तो एक दिन में अगर मैं पकड़ूँ एक ही सर्वे आए तो 30 के साथ 5 150 मिनट आपका जा रहा है, मतलब 2.5 घंटा आपका जा रहा है और आपको मिल रहा है 1500 रुपये। तो कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन रहता है, अप डाउन हो सकता है, पहले एंट्री लेवल में 1000 रुपये भी मिल सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपने जेन्युइन लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि लंबे वाले सर्वेस में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मगर आपको बैठ के अच्छे तरीके से एक्यूरेटली और ऑनेस्टली आपको सारे रिप्लाईज देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट बैठ के मार दिया एक 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 जल्दी ख़त्म करने के लिए, वैसा नहीं रहेगा, वो लोग वो पकड़ लेते हैं, तो आपको जेन्युइनली बैठ के उस तरीके से देना पड़ेगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं, जाके लैपटॉप में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें साइन अप करना है, और सारा प्रोसीड्यूर मैं बताने वाला हूँ आपको, डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ, प्रोफाइल कैसे बिल्ड होता है ये दिखाने वाला हूँ, और सर्वेस अगर रही तो वो भी दिखा पाऊंगा, अगर सर्वेस रही अभी तो मैं दिखा पाऊंगा। तो आगे चलते हैं और लैपटॉप में देख लेते हैं कि कैसे हमें साइन अप करना है। तो दोस्तों अब आप आ चुके हो मेरे लैपटॉप में, तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल में, जैसा कि आपको पता ही है, वहां जाके आपको लिखना है ट्रायबा इंडिया। तो ये जो पहला है पेड ऑनलाइन सर्विस ट्रायबा इंडिया मेक मनी ऑनलाइन, तो इसी में क्लिक करना है www, ये रहा इसका URL www.trayaba.in। तो उससे पहले आपको अपना मेल आईडी साथ ही में मेल खोल लेना पड़ेगा, मैं अपना मेल खोल ले रहा हूँ साथ ही में। तो क्या है, अभी हमें जाना है, हमें क्लिक करना है, तो ये रहा टोटल। अब यहाँ जैसे कि है कि पहले टाइम अब जब जाएंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, मैंने क्योंकि लॉगिन कर लिया है, पहले ही साइन अप कर चुका हूँ, तो लॉगिन का ऑप्शन ही दिखा रहा है और डायरेक्टली मेरे को प्रोफाइल में लेके जाएगा। तो मैं प्रोफाइल दिखा रहा हूँ आपको कैसा दिखेगा, मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वेबसाइट में आपको कैसे चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए कि बोला गया है कि रेस्पॉन्ड टू पेड ऑनलाइन सर्वेस अर्न फ्रॉम 30 to 250, जो मैंने कहा था आपको, तो ज्वाइन कीजिए, आंसर सर्वेस कीजिए, अर्न मनी, सिंपल एज दैट। तो ये है, और वहाँ पे बताया गया है पेमेंट के बारे में, बताया गया है कि पेमेंट 30 rupees to 250 में होगा, पेपाल के थ्रू आप ले सकते हो या जी कोड के थ्रू ले सकते हो, गिफ्ट कोड पेपाल इंडिया रहेगा और जी कोड के थ्रू, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कितना मिनिमम अमाउंट रहता है आपको निकालने के लिए, कितना पेमेंट मॉड्यूल है कि कितना होने से आप पेमेंट विथड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पहले हमें लॉगिन कर लेना है, मैं अपना लॉगिन कर ले रहा हूँ, आपका यहाँ साइन अप आएगा पहले। तो यहाँ देखिए कि प्रोफाइल मेरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरा एड्रेस, पोस्ट कोड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको देना है इधर, ठीक है। तो उस तरीके से उनको पहला डेटाबेस मिलेगा कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से है, वो उनको पता चलेगा। साथ ही में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफाइल में हॉबीज, इंटरेस्ट, ट्रैवल, हेल्थ केयर में देखिए लिखा हुआ है 6 questions to answer, मैंने नहीं किया था, तो ऐसे 6 questions रहेंगे, मैं खोल के ही दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके के questions रहते हैं। ये देखिए, हैव यू बीन डायग्नोस्ड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अब इसमें क्लिक मारेंगे तो ये देखिए ऑप्शंस, तो इस तरीके का रहेगा। तो मैं बैक कर लेता हूँ, तो इस तरीके के सवाल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, बेवरेज, हर तरीके का आपसे पूछेगा, ताकि वो एक डेटाबेस बिल्ड कर पाए, उसके बेसिस पे आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी जैसे कि यहाँ देख पा रहा हूँ कि सर्विस नहीं है और मेरे मेल में भी कोई सर्विस नहीं आया है, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, पर आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मेरा मेल आईडी मैं लास्ट में आपको फिर से एक बारी दे दूंगा। तो यहाँ देखिए कि रिवॉर्ड्स में, देखिए प्रोफाइल है और एक रिवॉर्ड्स है, अगर मैं रिवॉर्ड्स में जाऊँ तो यहाँ पे आपको आपका बैलेंस दिखाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, दिखाएगा कि पेपाल जो है, पेपाल के थ्रू है, आपको 8 GBP जब आपका आ जाएगा तो आप विदड्रॉ कर सकते हो आराम से, और जी कोड रहेगा तो 10 GBP पे आप विदड्रॉ कर सकते हो। अब 10 GBP नियर अबाउट, अभी मैं आज का रेट दिखा देता हूँ, मैंने 95 बता दिया था तब, अगर मैं देखूँ कि GBP to INR अभी अगर देखो तो वही 93 rupees है आज। तो
93 रुपीज़ है, तो यहाँ पे मतलब 930 रुपीज़ जी कोड में आपको मिल जाएगा, और 93 × 8 जितना होता है उसको आप विद्रॉ करके अपने बैंक में ले सकते। और एक बात है, ओपिनियन ए ऐप बोल के एक है ऐप, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में, कि इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको यही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, यही डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको, और आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी मिल जाएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चांसेस अर्न करने का। तो मैं आपको ओपिनियन ऐप के बारे में दिखाऊंगा कि उसका पैनल कैसा दिखता है और कैसे हमें करना पड़ता है, मतलब पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद क्या कैसा दिखता है, वहाँ सर्विस आने से कैसे दिखेंगे, नहीं रहने से कैसा दिखेगा, वहाँ भी रिवार्ड्स के ऐसा ही दिखता है कि नहीं, वो आप देख पाओगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐप के थ्रू ये कैसा दिखता है, मगर और एक बात लास्ट में बताने वाला हूँ कि पकड़ लीजिए आपको कहीं भी, मतलब ऐसा हुआ कि लग रहा है कि क्वेश्चंस है, सवाल है, और तो यहाँ उनका सोशल मीडिया पैनल दिया हुआ है ट्रायबा का, तो आप अगर फेसबुक में जाओगे तो डायरेक्टली आपको फेसबुक में उनका मिल जाएगा। ये देखिए, आप वहाँ डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो उन्हें कि पकड़ लीजिए आपका सर्वेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रोफाइल में कुछ हो रहा है क्या, तो आप ये पूछ सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से भी पूछ सकते हो। इवन देख लेता हूँ कि अबाउट अस में भी है शायद कोई ऑप्शन, क्वेश्चंस अबाउट द सर्वे, आप पूछना चाहो तो जेंडेक्स से डायरेक्टली चैट कर सकते हो आप जाके। अगर मैं इसे ऑन करूं तो शायद ये देखिए, सबमिट करेंगे आप अपना मेल आईडी, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, पैनल आपने किया, और उसके बाद आपने सबमिट किया ड्रॉपर फाइल, अगर फाइल नहीं है तो फाइल देना पड़ेगा, कि मैंडेटरी नहीं है, नहीं लाल जो है वो क्वेश्चन वो एस्टरिक्स है वो मैंडेटरी रहता है, तो अटैचमेंट वाला मैंडेटरी नहीं है, तो देना, आप सबमिट करोगे तो आपका चैट बॉक्स खुल जाएगा, आप डायरेक्टली बात भी कर सकोगे उनसे, मगर शायद ये सिर्फ डेस्कटॉप मोड में ही है और वो आपको ऐप में नहीं मिलेगा, मगर ऐप आपको यूज़ करना है एक्स्ट्रा सर्विस मिलने के लिए। ऐसा हो सकता है कि दिन में 2 सर्विस भी आपको मिल जाए, और ऐसा हो कि 100 रुपये 150 रुपये तक भी कमा पाओ। तो चलिए पहले अभी जाते हैं ओपिनियन ऐप में, कि ओपिनियन ऐप में आपको कैसा दिखेगा, तो चलिए वहाँ। ओके दोस्तों, अब आप आ चुके हो मेरे मोबाइल में, तो हम पहले जाएंगे प्ले स्टोर में, और यहाँ कहाँ गया था वहाँ कि ओपिनियन ऐप, तो सबसे पहले ओपिनियन ऐप हम लिखते हैं, ये रहा, तो ओपिनियन ऐप मेरा जैसे कि इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तो ओपिनियन ऐप को आपको इंस्टॉल करना है सबसे पहले, और इंस्टॉल करने के बाद आपको वही मेल आईडी से साइन इन करना है जिससे आपने डेस्कटॉप में अपना या लैपटॉप में अपना अकाउंट बनाया था, तो वेबसाइट में जो जाके आपने अकाउंट बनाया था वही देना है, क्योंकि आप जब वो दोगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन कोड आएगा, वो कोड आपको मेल किया जाएगा, और वो कोड आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा, जब आप ओपन करोगे सबसे पहले आपसे वो कोड मांगेगा ताकि वो आपका प्रोफाइल ही इधर दिखा पाए, और उसी बेसिस पे आपका प्रोफाइल, तो वहाँ पे आपने अगर इंटरेस्ट्स वो सारे क्वेश्चंस दे के रखे होंगे, आपने दे के रखा है, यहाँ भी आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो ऐप के थ्रू, मगर अगर पकड़ लीजिए आपने 100% प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए जो सवाल थे, फूड, बिजनेस, हॉबीज़, वो सारे, वो अगर आपने बिल्ड कर लिया होगा तो यहाँ डायरेक्टली आप बस सर्वे के लिए आ सकते हो। डायरेक्टली आए, सर्वेस आपने देखा, सर्वे अटेम्प्ट किया, क्योंकि बहुत सारे सर्वे होते हैं जो मोबाइल डिवाइसेस पर ही रहते हैं, तो आप आए यहाँ पे और आपने जस्ट सर्वे ले लिया, इनकम लिया, और आप चले गए आराम से। तो पहले आपको वो करना है कि आपको जब आप साइन इन कर रहे हो तो आपको वही मेल आईडी यूज़ करना है ताकि आपको वो कंफर्मेशन कोड मिले और आप वही पैनल, आपका जो प्रोफाइल है वही यहाँ खोल पाओ। तो मैंने वही किया है, तो मैं बस ओपन करता हूँ, तो ओपन करने पर कैसा दिखता है वो देखिए आप पहले। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले सर्विस में आपको दिखा रहा है, वेल डन, यू हैव आंसर्ड ऑल करेंटली अवेलेबल सर्विस, तो देयर विल बी मोर एडिट शॉर्टली, और मोबाइल में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मिलने के आसार रहते हैं। एक ये सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, प्राइवेसी, लॉग आउट करने का ऑप्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारे है, और साथ ही में एक था पैनल्स। तो पैनल्स में आपको क्या दिखेगा, पैनल्स में आपको दिखेगा बैलेंस एक तरफ, और आपको दिखेगा प्रोफाइल कितना बिल्ड हुआ है। मेरा प्रोफाइल जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 87% बिल्ड हुआ है, तो वो आपको दिखेगा।
तो यहाँ पे रिवर्ड्स जो है, यहाँ पे भी आप रिवर्ड्स पे मारेंगे तो आपको याद था कि आपको कैसा दिखाता था आपके वेबसाइट, वेबसाइट में हमने दिखाया था थोड़ा कुछ देरी पहले ही। तो यहाँ पे भी आप देख पाते हो कि बैलेंस दिखा रहा है, जी कोड यहाँ भी दिखा रहा है वही कि 10 GBP होने पे आप विदड्रॉ कर सकते हो और पेपाल के थ्रू 8 GBP होने से ही विदड्रॉ कर सकते हो। तो आगे जो है कि मैं पेपाल, अगर आपको नहीं पता कि पेपाल में कैसे अकाउंट बनाना पड़ता है एक, और पेपाल में के थ्रू अपने बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है ये भी ना पता हो, तो आगे वीडियोस मैं बनाऊंगा इस पे, तो आप ज़रूर आओ। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिले, क्योंकि पेपाल के बारे में बताने वाला हूँ मैं मेरे नेक्स्ट न्यूज़ जो भी सेक्शन, न्यूज़ सेक्शन में जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं बताने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा वो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपाल के थ्रू ही ट्रांसफ़र लेना है अगर आपको पैसे चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि ऐप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐप में किसी गेम में कॉइन चाहिए, तो आप जी कोड के थ्रू जा सकते हो, आप जी कोड भी यूज़ कर सकते हो। तो बैक करता हूँ, तो इस तरीके का एकदम वही पैनल है, देखिए ट्राइबा लिखा हुआ है। तो यहाँ बस आपको आना है और सर्विस, ये जैसे कि सर्विस में क्लिक किया, सर्विस आ जाएंगे, सर्विस में अटेम्प्ट करना है और आपका इनकम एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ रहता है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के एंड में मैं अपना मेल आईडी भी दूंगा, आप वहाँ भी मेल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि त्राइबा के थ्रू आप चैट करके भी, उनके सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हो कि कैसे काम करता है, या फिर मेरे प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है कि सर्विस नहीं आ रहे, या सर्विस किस तरीके से आएंगे, ये सब आप सवाल पूछ सकते हो। और कन्फ्यूजन है प्रोफाइल बिल्ड करने में तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और आप थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट कर दो अभी ही। और पेपाल जो है, पेपाल के थ्रू आपको अपना मतलब पेमेंट जो लेना है पेपाल के थ्रू, पेपाल में कैसे अकाउंट बनाते हैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट एक बना दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए। तो वो उसके लिए जुड़े रहिएगा चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। और मैं जल्दी लाऊंगा वो, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आना रहेगा। तो जैसे कि 8 GBP आने के बाद ही आप उसको पेमेंट के थ्रू या तो पेपाल के थ्रू या तो जी कोड के थ्रू ले सकते हो। जी कोड से लेने से क्या होता है कि एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो एज कॉइन्स एक्सेट्रा, और पेमेंट के थ्रू जैसा कि मैंने अभी पहले बताया पेपाल के थ्रू करने से डायरेक्टली वो आपके बैंक तक आ जाएगा। अब कैसे क्या क्या करना है, पेपाल में कैसे आपको अकाउंट बनाना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा न्यूज़ का उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किशोर की तरफ से अभी के लिए टाटा।